और राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक की गई। बैठक में तय किया गया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ईद ए अजहा का त्यौहार सादगी से मनाया जाएगा और साथ ही किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। बैठक में ये भी तय किया गया कि ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और वहीं फजर के तत्काल बाद ईद ए अजहा अता कर दिया जाएगा। इधर बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और ईद मिलन के कार्यक्रम भी नहीं किए जाएंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा। जल्द से जल्द हम इस कोरोना वायरस से हम लोग जीत सकते हैं, नहीं तो यह वायरस बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मुस्लिम समाज की जो हमारी बैठक हुई समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से मुतवली अजरा से, इसमें तय किया गया है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए ही ईद मनाई, लॉकडाउन का पालन करते हुए ईद का त्यौहार मनाने का फैसला लिया गया है। आज हम राजधानी रायपुर के मौदहा पारा मस्जिद के पास मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी रौनक नहीं है। लॉकडाउन को लेकर जो है मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों की बैठक हुई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन की अवधि जब बढ़ा दी गई है तो ईद का त्यौहार जो है वो सादगी से मनाया जाएगा, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। बैठक में ये भी तय किया गया है कि ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वहीं फजर के तुरंत बाद ईद ए अजहा की अदा कर ली जाएगी। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही ईद मिलन के कार्यक्रम भी नहीं होंगे। इस बार कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जारी लॉकडाउन का कायदों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बता दें कि इस त्योहार में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कुर्बानी दी जाती है। कैमरामैन रेशम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।